जी नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा, जल्द बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार किए धुरंधर। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में की गई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्त शरण दास की अध्यक्षता में बैठक हुई। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस में चुनाव को लेकर इन नामों की चर्चा की गई है। पहले हिसार की बात करते हैं, तो सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह या चंद्र प्रकाश, पूर्व IAS ऑफिसर रहे हैं, दावेदार हो सकते हैं। बात करें सोनीपत की, तो वहीं सोनीपत लोकसभा सीट से बाबा सतपाल ब्रह्मचारी या कर्नल पुरोहित को टिकट दी जा सकती है। बात करें सिरसा की, तो सिरसा लोकसभा सीट से जरनैल सिंह या विधायक शिषपाल केहरवाल दावेदार हो सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक रोहतक और अम्बाला से एक एक नाम दिए गए हैं। रोहतक की बात करें तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और अम्बाला से कुमारी शैलजा का नाम दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम की बात करें तो कैप्टन अजय सिंह यादव, राव दान सिंह या वर्धन यादव दावेदार हो सकते हैं। वहीं करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो वीरेंद्र राठौड़, मराठा चाणक्य पंडित या बुल्ले शाह के नाम पर चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से करण दलाल या विजय प्रताप सिंह का नाम चर्चा में है। वहीं महेंद्रगढ़ और भिवानी से बात करें तो लोकसभा सीट से श्रुति चौधरी या राव दान सिंह को टिकट दी जा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम हाईकमान को भेज दिए हैं, देखते हैं कब जो कैंडिडेट है उनका अनाउंस करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, क्या कांग्रेस पार्टी के ये नेता जीत दर्ज कर सकते हैं? जीत दर्ज कर सकते हैं तो कितनी सीटों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।